मैडम प्लीज स्टार्ट विथ द प्रेयर। पल्लवी शेटे तुमचा व्हिडिओ ऑन आहे, नंतर ऑन करा। Now she's there. I'm not getting the video. With this beautiful prayer, let us start our session. And since we are already late, so we will not take our regular prayer. You'll put your hands down and we will directly start Pranakarshan Kriya. Hum Pranakarshan Kriya ki shuruaat karte hai. Aankhe band. Close your eyes. Deep breathing. Dirgha shwas, dirgha prashwas. Breathing is normal, but the pace of breathing is being reduced. Your blood is being cleaned because in this kriya, maximum oxygen is inhaled. ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलने से खून की सफाई हो रही है। Imagine that breathing is going on through your spinal cord. Keep it erect, sit straight. कमर से गर्दन तक श्वास भर रहे हैं और गर्दन से कमर तक श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास प्रश्वास की गति मंद मंद होती जा रही है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। दीर्घ श्वास दीर्घ प्रश्वास।
जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. इतने शांति से दिन भर हम कभी भी बैठकर हमारे ही खुद की श्वास प्रश्वास पर कभी ध्यान नहीं देते. ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस ब्रीदिंग स्टॉप्स देयर विल बी नो लाइफ. बट इन दिस हबब ऑफ होल डे वर्क एंड हाउसहोल्ड चोर्स वी डोंट गेट टाइम टू ऑब्जर्व अवर ब्रीदिंग. अपनी ही श्वास प्रश्वास का निरीक्षण करना बड़ा महत्वपूर्ण है. दिन भर जब भी समय मिले प्राणाकर्षण क्रिया का अभ्यास करेंगे. मस्तिष्क की सभी नस नाड़ियां जो है वो प्रेरित हो जाती है. जब भी संकट का समय आए प्राणाकर्षण क्रिया करते शांति से कम 5 मिनट बैठने का प्रयास कीजिए. जब शांति से सोचेंगे श्वास प्रश्वास पर लक्ष्य केंद्रित करेंगे हो सकता है दिमाग में उस संकट का कहीं और सलूशन निकल आए. साधारण धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे. ब्रह्म मुद्रा प्रकार पहला करते हैं. गर्दन को सख्त कीजिए. जाइए एक्सट्रीम लेफ्ट. आइए सामने. गो टू योर एक्सट्रीम राइट. फील द स्ट्रेच. गर्दन में जो इस तरफ स्ट्रेच आ रहा है राइट साइड उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए. टेक योर नेक लेफ्ट. लेफ्ट साइड में जो तनाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए. कम इन फ्रंट. गो टू राइट. राइट साइड जाइए. जितना हो सके कंधे पीछे नहीं लेके जाएंगे. कंधे तो सामने ही रहेंगे लेकिन जितना हो सके पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे. आइए सामने. गो टू योर लेफ्ट. कम इन फ्रंट. स्टॉप. आज ब्रह्म मुद्रा दूसरा प्रकार नहीं करेंगे. डायरेक्ट कल हमने नमन मुद्रा तीसरा प्रकार किया था. आज हम नमन मुद्रा दूसरा प्रकार करेंगे. ये लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से इस तरीके से पकड़ेंगे. रेचक पूरक. रेचक वाइल एक्सहेलिंग कम डाउन. नॉर्मल ब्रीदिंग. पेट से जुड़े सभी विकारों के लिए नमन मुद्रा बड़ी लाभदायक है. ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू योर एब्डोमेन विल बी रिमूव्ड एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर एब्डोमेन विल बी इम्प्रूव्ड इन ऑल 3 types ऑफ नमन मुद्रा. 2-4 नॉर्मल श्वास प्रश्वास के बाद फिर से श्वास भरते भरते ऊपर आइए. इनहेल एक्सहेल. रेचक रेचक करते करते हाथों को कोनियों में ढीला छोड़ देंगे. दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे. घुटनों के ऊपर रखेंगे. कंधों के प्रकार करते हैं. आज हम थोड़ी दूसरी क्रिया देखने वाले हैं इसलिए ये जो सूक्ष्म व्यायाम है वो हम नंबर ऑफ माइक्रो एक्सरसाइजेस वी विल डू लेस. अप डाउन अप अप. एक दो एक
दो बोथ द शोल्डर्स टुगेदर वन टू वन टू वन टू वन टू छोड़ दीजिए वज्रासन दोनों पैरों को फैला दीजिए कमर का चक्र करेंगे चक्की चलाएंगे थोड़े अपने घुटनों को प्यार से ट्राई टू लव योर नीज योर लेग्स एंड नीज आर वेरी इंपॉर्टेंट Go to your left, then to your right, left. कैसे वार्मिंग अप करते हैं वैसे कीजिए डू इट स्लोली डू अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी क्षमता के अनुसार कीजिए कमर पर अब इस तरफ जो स्ट्रेच आ रहा है उसे महसूस कीजिए नाउ टू योर अंदर साइड Feel the stretch. Yeah. चक्की चलाएंगे एक टू योर लेफ्ट बड़ा सर्कल करेंगे पीछे की ओर जाएंगे देन अगेन टू योर लेफ्ट वन सर्कल इज ओवर अनदर सर्कल दूसरा चक्र करेंगे कमर पे पीछे की ओर जो स्ट्रेच आ रहा है उसे फील कीजिए अनावश्यक जो चर्बी है जो हमारे कमर पे इकट्ठा हो जाती है एक्सेसिव फैट्स ऑन योर वेस्ट लाइन विल बी रिड्यूस्ड इट इज सेड दैट बिगर द वेस्ट लाइन लेसर द लाइफ लाइन सो कमर पतली होनी चाहिए नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिगर बट वी थिंक एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आरोग्य की दृष्टि से विरुद्ध बाजू से करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अंगूठे तक लेके जाएंगे हाथ को पीछे की तरफ जाएंगे हाथ स्ट्रेच ही रखेंगे ऐसे नजदीक नहीं लेने हैं उनको हैंड्स विल बी स्ट्रेट डू इट एक्सरसाइजिंग योर वेस्ट एंड ऑल्सो योर हिप्स योर थाइस This is not part of yoga, so to say. This is not any asana because it is moving or it is dynamic, not static. फिर भी एक सूक्ष्म व्यायाम के तौर पे बहुत जरूरी है ठीक है दोनों पैर मिलाइए दोनों हाथ की मुट्ठियां करेंगे लेके जाएंगे आगे पीछे फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग कीजिए जिनको गर्दन दर्द हो रहा है वो गर्दन ऐसे ही रखेंगे और इस तरीके से करेंगे जिनको गर्ल कैरेट्स शुड डू इट मेक श्योर दैट योर हेड टचेस योर नीज At times you can do it fast. विरुद्ध दिशा में हाथ इस तरीके से बोटिंग करते हैं नौका चलाते हैं somehow anyhow you have to bend. Take a little distance. Put your both the hands behind your knee, sorry, your neck. Touch ground. Let your elbow touch ground. कोनी का स्पर्श जमीन को होना चाहिए जिस बाजू में झुके हैं उसके विरुद्ध बाजू में जो स्ट्रेच आ रहा है feel the stretch. Do it slowly, initially, then try doing it fast. थोड़े कमर के
जांघा के स्नायु ढीले पड़ जाएंगे ताकि आगे चल के पद्मासन लगाने में आसानी होगी। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ से पकड़िए, टेक इट क्लोज, पुट इट डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, डू इट फास्ट, ट्राई टेकिंग इट वेरी क्लोज, ओके, कम इन पद्मासन, और अर्ध पद्मासन, अर्ध पद्मासन भी नहीं आ रहा है तो सुखासन में, एक मिनट, सुखासन में बैठ जाएंगे, ओके, पद्मासन लगाने के बाद हम पहली क्रिया करेंगे कपालभाति, एक एक नासिका की कपालभाति एक ही बार करेंगे, फिर दोनों नासिका की कपालभाति एक ही बार करेंगे, क्योंकि आज हमें थोड़ा और एक क्रिया सीखनी है। शुरू करते हैं, आंखें बंद, सूचना के अनुसार करेंगे, वी विल स्टार्ट डूइंग कपालभाति टाइप वन विद वन नॉस्ट्रिल, क्लोज योर आईज, नॉर्मल ब्रीदिंग, my sound is audible so you need not open your eyes, just concentrate rechak exhale ardhapurak inhale nasika band close your left nostril shuru start स्टॉप, हाथ नीचे, एक्सहेल कंप्लीटली, जाने दो पूरा श्वास, इनहेल भरो, रीच नॉर्मल ब्रीदिंग दूसरे नासिका से करते हैं, रेचक एक्सेल, राइट नॉस्ट्रिल अर्धपूरक, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, स्टार्ट Stop, exhale completely, hand down, bharo, inhale, exhale, दोनों नासिका की कपालभाति करते हैं, आंखें बंद रहेगी, we will do it both the nostrils. Do it according to your capacity, but our target is 108 strokes. लोहार के भाते के समान जब फेफड़े चलेंगे तो उनमें जो गंदगी है वो अपने आप बाहर निकल आएगी। 108 की कपाल भाती ये हमारा लक्ष्य है, धीरे धीरे हो जाएगी, फेफड़ों पर शरीर पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं डालेंगे, जितने आराम से हो सकती है उतने करेंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। लेट अस स्टार्ट,
Kapalbhati type 2 with both the nostrils. Rechak, Ardhapurak, Shuru. Stop, जाने दो. भरो, inhale. Reach up, exhale. Normal breathing. Gently open your eyes. आके खोल लीजिए. कपालभाति के बाद उज्जयी घर्षण करते हैं. हम डायरेक्ट तीसरा प्रकार करेंगे. घर में आप जब सोमवार को हमारा क्लास खत्म होगा, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स यू कैन डू ऑल द टाइप्स एट होम. एंड प्लीज डोंट रिमेन एब्सेंट एटलीस्ट इन दिस 7 days. वन हु रिमेन्स एब्सेंट एस्पेशली आवर स्टूडेंट्स विल नॉट बी गिवन सर्टिफिकेट्स. सो प्लीज मेक श्योर टू लॉग इन ऑन टाइम, अटेन, कॉन्सेंट्रेट एंड डू इट प्रॉपरली. उज्जयी घर्षण तीसरा प्रकार करते हैं. श्वास को भरते भरते हाथों को ऊपर लेके जाना है, श्वास को छोड़ते छोड़ते नीचे लेके आना है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. रेचक, एक्सहेल. पूरक, इनहेल. Exhaling, bring your hands down. Inhaling, take them up. जाएंगे, ओंकार करेंगे 3 times in between 1 minute meditation, again twice ओंकार sound. Let us be ready. Sit in comfortable position. Keep your spine erect. रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे. पूरे 5 मिनट के प्रयोग में आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे. आंखें बंद रखने से अनेक लाभ मिलेंगे. फायदे की बात सोचो, फायदा देखो. इसलिए स्टिक परफेक्टली टू द प्रोसीजर. जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, बड़े फायदे मिलेंगे. नॉर्मल ब्रीदिंग. रेचक, एक्सहेल. पूरक. Oh.
श्याम take all your attention to the middle of your heart. Imagine there is a white flame. Remove all the thoughts from your mind. Try to sit thoughtlessly. Concentrate in the intense light of that thumb shape white color flame. छाती के मध्य स्थान पर अंगूठे के आकार की जो सफेद रंग वाली ज्योति दिखाई दे रही है, उस ज्योति के सफेद प्रकाश में विलीन हो जाने की कोशिश कीजिए। चित्त एकाग्र करते समय सिनेमा के चित्र के समान अनेक विचार और अनेक चित्र आंखों के सामने आएंगे, फिर भी आप ज्योति में ही स्थिरता रखो। अच्छे बुरे सभी विचारों को निकाल दीजिए। आंखों के सामने किसी भी भगवान का चित्र भी मत लाइए। विचार रहित अवस्था में बैठने की कोशिश कीजिए। शांत शांत। सावधान, फिर दो बार ओंकार होगा। रेचक और घर्षण युक्त पूरक दोनों हाथों का घर्षण, रब यू बोथ द पाम्स एंड वाइप इट ऑन योर फेस एंड देन जेंटली ओपन योर आईज। आज हम एक प्राणायाम सीखने वाले हैं, जिसे हम कहेंगे भ्रामरी प्राणायाम, और कल और एक प्राणायाम सीखेंगे जो बहुत बेसिक है, जिसका नाम है अनुलोम विलोम, लेकिन वो हम कल सीखने वाले हैं। आज हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। टुडे वी विल लर्न भ्रामरी प्राणायाम व्हिच इज वेरी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ इंसोमिया, जिनको स्लीपलेसनेस है, रात को नींद नहीं आती है, नींद बहुत कम आती है, बस 3-4 घंटे में नींद हो जाती है, लेकिन साउंड स्लीप जिसे कहते हैं, एवरीबडी नीड्स nearly 7-8 hours sound sleep. So students are advised to reduce their screen time. जैसे पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का होना तो जरूरी है, but after you finish your studies, then you have YouTube and Twitter and Facebook and so many things, Netflix, Prime Video and so on. It the list is endless. So when you watch, when your eyes are glued to your screen, your mobile or your
computer, laptop, then your eyes cannot get some sleep. So before going to bed, at least for 1 hour before, put your mobile off, do something else, and then go to bed. It is always observed that bedsheet lete hai aur andar mobile on rehta hai. Bachchon ke, you know, many mothers have this complaint. So don't do it for your mother. Never. Do it for yourself, for your eyes. Just imagine, agar aankhon ki roshni chali jayegi, kam hoti jayegi, chashme se bhi kaam nahi chalega, to kya hoga? So, for the health of your eyes, reduce your screen time. Okay? So, coming back to Brahmari Pranayam, how to do it is important, when to do it is important, and why to do it. Why to do it? I can explain the benefits. When to do it? Many people do it before going to bed, and they have shared their experience that they get sound sleep. सोने के पहले की जाती है तो बहुत सारे लोगों को अच्छी नींद आती है. अगर सुबह समय नहीं मिल रहा है, ऑफिस जाना है, स्टूडेंट्स को क्लासेस है, पीपल हैव टू रश, सम आर इवन लेडीज हैव टू गो टू किचन फॉर ब्रेकफास्ट एंड ऑल दैट. सो इफ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम इन द मॉर्निंग, अगर सुबह समय नहीं मिल रहा है तो भ्रामरी बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले की, तो अच्छा रहेगा. लेकिन सुबह ओंकार के बाद अगर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उससे और ज्यादा लाभ मिलेंगे. ठीक है, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं है तो नहीं करने से तो अच्छा है सोने के पहले कीजिए. सम पीपल डू इट ट्वाइस, दे डू इट इन द मॉर्निंग एज वेल एज बिफोर गोइंग टू बेड, एंड दे हैव एक्सपीरियंस साउंड्स, बड़ी अच्छी सी गाढ़ी नींद आती है. मेनी माई स्टूडेंट्स विल से टेल मी, मैडम वैसे ही हमको बहुत नींद आती है. नींद आती है बिकॉज रात को देर ढाई बजे तक तुम पिक्चर देखते रहोगे, फिर सो जाओगे तो सुबह तो नींद खुलेगी नहीं. बॉडी और नेचर फॉलोज इट्स कोर्स. अपना जितनी समय नींद है उतनी तो हमारा शरीर ले ही लेगा, और नहीं दोगे तो उस और दूसरे तरीके से उसके परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे. ओके, लेट अस नॉट गो इनटू दैट. लेट अस सी हाउ टू डू भ्रामरी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. First look at me, first do it, and when I say start, then only you will do it. You have to use these four fingers and thumb. Thumb you have to insert inside your ears. Then first finger, that is index finger on your eyebrows. Rest two fingers on your eyes. And last finger, small finger, on your nostril. This is how you have to close. ठीक है? Now, ओंकार में हमने क्या किया था? ओ, इसे ओकार कहते हैं. जो नाक से करते हैं उसे मकार कहते हैं. ठीक है? तो ओंकार में हम ओकार और मकार दोनों करते हैं. भ्रामरी में सिर्फ हमको मकार जैसा साउंड करना है. साउंड करना है, यू हैव टू इमिटेट दैट साउंड ऑफ मकार. बी हमिंग, जैसे मधुमक्खी सुना होगा, मधुमक्खी की हमिंग सुनी होगी. सो यू हैव टू ट्राई टू इमिटेट हमिंग साउंड, दैट इज भ्रामरी. ठीक है, एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट कंप्लीटली. डेली यू कैन डू इट थ्राइस. ठीक है, पहले एक बार देख लेंगे, बाद में करेंगे. See, you don't have to close completely your nostrils. नासिका बंद नहीं करनी है, खाली उसके ऊपर रखना है. देख लीजिए, रेचक पूरक.
Was it audible? Okay. Let us all of us do it together. किसी भी सुखासन में या पद्मासन अर्ध पद्मासन में बैठेंगे, भ्रामरी करेंगे. वनिता मैडम एक मिनट के लिए सबके वीडियो ऑन करेंगे, मैं देख सकूंगी कि लोग कैसे बैठे हैं. देखना है मुझे. I've turned it on. Can they put it on? Yes, thank you. Yeah, people are very good. Yes, nice, very good. I can see some of videos. Okay, great. चलो करते हैं, ब्राह्मरी प्राणायाम करेंगे. Okay, one by one. पहले अंगूठे को अंदर डालेंगे. Insert your thumb in both the ears. Put first finger on your eyebrows. Rest two fingers on your eyes, and last finger on both the nostrils. छोटी दोनों उंगलियां है वो हम नासिका के ऊपर रखेंगे. पहली उंगली हमने आईब्रो पे रखी है. रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे. मूल बंद लगाया हुआ है. भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे. रे चक भरो. इनहेल भरो. आंखें वही रखेंगे, हाथ वही रखेंगे. फिर एक बार करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग. वी विल डू इट वंस मोर. रेचक भरो. पूरा हाथ नीचे, आंखें बंद रहेगी. नॉर्मल ब्रीदिंग. डोंट ओपन योर आईज. जेंटली ओपन योर आईज. बड़ा फ्रेश महसूस करेंगे. या नाउ यू कैन पुट ऑफ योर वीडियोस. कल हम सीखे हैं वो क्रियाएं करते हैं. शीतकारी की क्रिया करेंगे. रेचक. इनहेल थ्रू योर टीथ. एक्सहेल थ्रू योर नोज. इनहेल एक्सहेल.
शीतली करेंगे, जीवा की पोंगली करनी है। श्वास भरनी है, नाक से छोड़नी है। इनहेल, एक्सहेल विथ योर नॉस्ट्रिल्स। नाउ वी विल डू वायु सार। यू हैव टू ईट द एयर। सीटी बजाते हैं एज यू पाउट योर लिप्स फॉर विस्लिंग, सो डू यू फॉर वायु सार। खाइए हवा। मुझे पता है मैं जरा फास्ट जा रही हूँ, लेकिन मुझे और कहीं कंप्लीट करना है, इसलिए मुझे जरा जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। आई नो दैट आई हैव टू गो स्लोली, बट आई कांट हेल्प इट बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट सो मेनी थिंग्स इन ओनली 7 days, सो आई एम हेल्पलेस। सो प्लीज बेयर विथ मी। खाते रहिए हवा, पेट पर से हाथ घुमाइए। आकार निकालने की कोशिश करेंगे वात विकारों के लिए। पैर में जो क्रैम्स आते हैं उसके लिए। शरीर की अतिरिक्त गर्मी जो है उसे हटाने के लिए। फॉर ऑल गैस्ट्राइटिस और ऑल डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू गैसेस, वायु सार इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर स्किन in diseases, shitakari shitali and vayusar is all these three kriyas are very important. If you do it regularly, you will find a glowing skin without visiting beauty parlor and salon for facial and so many things and expensive creams, facial creams. You will not have to buy, thereby you will save a lot of money, and then you will have glow on your face, and your parents will say, oh, my daughter is looking so beautiful. Okay, so if not for health, at least for your beauty, go do this all three kriyas regularly. ठीक है, तो हमने पद्मासन में लगाने के बाद हमने कपालभाति की है। We did कपालभाति followed by उज्जयी, फॉलोड बाय ओंकार, देन भामरी, देन शीतकारी, शीतली एंड वायुसार। नाउ टू इम्पोर्टेंट क्रियाज वी आर गोइंग टू डू, दैट इज अग्निसार एंड उड्डयन। उर्मिला मैडम, यू ट्राई अरेंजिंग टिल आई एक्सप्लेन एंड यू ट्राई टू शेयर योर स्क्रीन। हम लोग अग्निसार और उड्डयन की क्रियाएं है वो मैं नहीं दिखाऊंगी आपको, या हमारी लड़कियां भी शर्मा जाएगी इसलिए वो नहीं दिखाएंगी, क्योंकि पूरा पेट का हिस्सा है वो सब ऊपर करके आपको दिखाना पड़ेगा, और ये हम YouTube में वीडियो डालते हैं, इसलिए हम लोग वी विल ट्राई वॉचिंग इट ऑन यू वन यूट्यूब वीडियो अ पर्टिकुलर। मैडम वेट, वेन आई विल से स्टार्ट देन ओनली यू विल स्टार्ट, लेट इट बी पॉज्ड। फुल स्क्रीन करके रखिए लेकिन पॉज में रखिए। यस, हम लोग देखने वाले हैं ये क्रिया, लेकिन पहले सुनने वाले हैं। पहले हम देखने वाले हैं अग्निसार। आई थिंक मैडम दिस इज अग्निसार। पहले हम अग्निसार देखेंगे, बाद में हम उड्डयन देखेंगे। आज हम दो क्रियाओं का अभ्यास करने वाले हैं, अग्निसार और उड्डयन। To put it very simply, you must have noticed that all the parts of our body gets exercise in one way or the other. Like when we walk, exercises are for your legs, or when you work, your hands and fingers, every part of body throughout the day gets exercises in one way or other. क्या आप मुझे कह सकते हैं कि हम हमारा पेट कभी हिलाते हैं, कि पेट को कभी एक्सरसाइज देते हैं? ओके, तुम बोलोगे हम झुकते हैं। या गर्ल्स, आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ बिली डांस। बिली डांस में देखा होगा सिर्फ पेट का हिस्सा हिलता है ब्यूटीफुली, बट आई नो दैट बिली डांस इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। मुझे भी नहीं आता है बिली डांस, लेकिन मुझे डांस नहीं करना है, मुझे आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योगा, इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ऑन हेल्थ। सो पेट पर जो अनावश्यक चर्बी आती है
उसे हटाने के लिए. दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव बेनिफिट ऑफ इट, बट दैट इज नॉट अ मेजर, दैट इज जस्ट अ साइड इफेक्ट. पेट पतला हो जाएगा, जैसे सामने हम चित्र में ये गृहस्थ का पेट देखते हैं, सो यू विल फाइंड फ्लैट टमी कंप्लीटली, बट दैट इज द साइड इफेक्ट. द मेजर एडवांटेज इज ऑल डिसऑर्डर्स और डिसीजेस रिलेटेड टू योर एब्डोमेन. देखिए ये जो है वो हमारा, इसे कहते हैं हमारा बिजली घर है, लाइट हाउस है, और सभी जो शिकायतें हैं इधर से ही शुरू होती है. वी ईट टेस्टी फूड, इवन इफ इट इज जंक फूड, वी ईट इट एंड देन वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. एंड एज आई मेड इट क्लियर इनिशियली, बिगर द वेस्ट लाइन लेसर द लाइफ लाइन. सो जितनी कमर पतली है, जितना पेट पतला है, उतने हमारे हम कम बीमारियों को आमंत्रण देंगे. अग्निसार क्रिया देखनी है हमें, यू हैव टू कीप इन माइंड यू टू सिट इन पद्मासन और अर्ध पद्मासन, नॉट एनी अदर पोजिशन. वज्रासन में ये क्रिया नहीं की जाएगी, आइदर सिट इन पद्मासन और इन वज्रासन, सॉरी इन अर्ध पद्मासन. देन वॉट यू हैव टू डू, हैंड्स यू हैव टू पुट ऑन योर नीज एंड टेक पोजिशन लाइक दिस. यू टू बेंड अ लिटल, थोड़ा सा आगे झुकना है, और आगे झुकने के बाद पूरा रेचक करना है. रेचक करने के बाद पेट को अंदर खींच के लेना है, और रेचक अवस्था में विदाउट एनी ब्रेथ इनसाइड यू हैव टू पुश इट ओनली दिस पार्ट ऑफ योर टमी योर स्टमक फॉरवर्ड. सामने उसको यू हैव टू पुश इट आउटसाइड. अंदर तो अपने आप आ जाता है, फोर्सिबली यू हैव टू पुट इट आउटसाइड. मेक श्योर दैट यू डोंट इनहेल. You have to do it in a breathless condition. And when you feel that, no, now I need to take my breath. मुझे तो श्वास भरनी पड़ेगी. तो पहले हाथ को ढीला छोड़ना है, गर्दन को सीधी करनी है, और फिर inhale करना है. एक बार देख लीजिए, video on कीजिए. Please watch the video and you will understand the procedure of it. See the hands. Little forward bending, रेचक, पेट को पूरा अंदर लिया है, खींच लिया है, start, yes, this way, you have to push it outside, and gradually you have to increase your speed. Now there is ये जो सदग्रस्त है उनके पेट पर तो बिल्कुल चर्बी नहीं है, तो इनका जिस कदर होता है उतना हमारा इनिशियली नहीं होंगे होगा. इनिशियली पेट तो बिल्कुल नहीं हिलेगा. धीरे धीरे हम गर्दन ऊपर करेंगे और श्वास भरेंगे. यू विल इनहेल. मैडम स्टॉप द वीडियो. इसका नाम है अग्निसार. जैसे कहते हैं अग्निसार, जैसे मैंने कहा कि ये पेट हमारा बिजली घर है, इट इज अ लाइट हाउस. सो लॉट ऑफ हीट कैन बी जनरेटेड, एंड बिकॉज ऑफ द हीट एज वेल एज द मूवमेंट एंड अफेक्शन विच इज कॉज्ड, पेट की न कि चर्बी बल्कि जितनी भी गंदगी है पेट के अंदर, जितना विजातीय है, वो दूर हटेगा और हमारे पेट से जुड़े सभी विकार दूर हो जाएंगे. और जैसे पेट पेट अगर साफ है, पेट क्लियर है, तो दूसरे अनेक बीमारियों को भी हम बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं. मैडम ओपन अनदर वीडियो. ये क्रिया का नाम था अग्निसार. अब हम देखने वाले हैं उड्डयन बंद, जिसे कहते हैं एब्डोमिनल लॉक. इस क्रिया में भी you can sit in either in padmasan or in ardha padmasan. You have to take same position of hands, but here isme teen bandh lagte hai, three locks. Pehle to mool bandh humne lagaya hua hai, ek uddiyan bandh hai, aur tisra jalandhar bandh. Jalandhar bandh kaise lagate hai, ye jo hamari thutti hai, hamari chin hai, isko barabar ye gale ka hamara ye jo throat hai उसके ऊपर फिक्स करना है, ताकि ये मार्ग बंद हो जाएगा,
नीचे का गुदास्तान का मार्ग हमने मूलबंध लगाया हुआ है इसलिए उसे वो भी बंद है। और तीसरा जो है जिसे कहते हैं उड्डयन बंद, यानी जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ खींच के उसे बंद करना है। एक बार देख लीजिए, सिटिंग इन पद्मासन पोजीशन, टेकिंग द पोजीशन ऑफ हैंड्स, रीच अप, धीरे धीरे पूरी हवा निकाल लेंगे, एक्सहेल कंप्लीटली एंड टेक योर स्टमक इनसाइड। लगाएंगे जालंधर बंद, लगाने के बाद लगाएंगे उड्डयन बंद, इस तरीके से पूरा पेट अंदर की तरफ जाएगा। फिर धीरे धीरे पहले पेट को ढीला छोड़ेंगे, गर्दन को ऊपर करेंगे और फिर श्वास भरेंगे। यहां तक हमें अगर श्वास रोकनी आती है तभी हम कितनी देर तक पेट को अंदर खींच के बैठेंगे, नहीं तो जल्दी से छोड़ देंगे और फिर ऊपर। जब घबराहट होने से पहले इसे हम छोड़ देंगे। मैडम म्यूट पर ही रखिए लेकिन थोड़ी स्लाइड आगे लेके जाएंगे, उसके लाभ जो है ये सूचनाएं हैं श्वास रहित अवस्था में करनी है वो ठीक है, आगे लाभ की तरफ जाएंगे। अल्सर वगैरह जैसे बीमारी है, गर्भाशय की कुछ आजार है, उसमें ये नहीं की जाती है प्रेग्नेंट वुमेन, तो सिर्फ गौमुख आसन छोड़ के बाकी कुछ भी प्रेग्नेंट वुमेन नहीं करती है। इससे दूसरे जो लाभ है जैसे डायबिटीज में है, जिन्हें ठीक से भूख नहीं लगती है, फिर बवासीर जैसी समस्याएं हैं, ऑल योर डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू योर किडनी, फिर या इंटेस्टाइन के लिए बोध आसन, इंटेस्टाइन में जितना भी मल इकट्ठा हुआ है, या हमारे यूट्रस में फाइब्रॉइड बनने की जो औरतों को शिकायत रहती है, हृदय के स्नायुओं का इससे अच्छे से मसाज होता है, उससे व्यायाम होता है। सो देर आर सो मेनी, इफ यू सी आई कैन सेंड यू, या स्टॉप, I can send you the video also. You can see there are n number of, now you madam you can stop it, n number of advantages and benefits of this. So this is Agnisar and Uddiyan ki kriya, but mind you well, Agnisar and Uddiyan has to be done under supervision, so I will not ask you to do it now. So I'm telling you to do only those kriyas which have no, I mean even I can monitor online, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म में जूम मीटिंग में भी देख के जितना हम कर सकते हैं वही हम करने वाले हैं। नाउ आई हैव, इफ यू रिमेम्बर आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर षट कर्म, छह शुद्धि कर्म है, धोती, बस्ती, नेति, नावली, कपाल भाती और आखिरी जो है त्राटक। तो हमने ये पांच क्रिया है वो हमने देखी है, धोती, जल धोती, सूत्र धोती, नेत्र स्नान, नेति, जल नेति, पिक्चर्स के सामने पिक्चर से दिखाए हमने, बिकॉज जल धोती एंड जल नेति हैज टू बी डन अंडर सुपरविजन, किसी भी एक्सपर्ट के सहारा लेके ही आपको ये सामने करनी चाहिए, टीवी पे देख के, यूट्यूब पे देख के, टीवी पे रामदेव बाबा को देख के किसी भी क्रिया को नहीं करनी चाहिए, इट हैज टू बी डन फेस टू फेस अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, ठीक है। फिर बस्ती मैंने कहा है, शंकर प्रसारण की क्रिया हमने की है, उसमें बस्ती के लाभ मिलते हैं। नवली, नवली जो है वो अग्निसार जो हम पेट को पीछे आगे पीछे हिलाते हैं उसमें नवली के लाभ मिलते हैं। कपाल भाती तो हमने की है और आखिरी वाला जो बचा है त्राटक, त्राटक की क्रिया हम जरूर करेंगे। त्राटक है बिंदु त्राटक, बाह्य त्राटक, अंतर त्राटक, ज्योति त्राटक, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। उसके लिए एक जो I mean, I have found out an option. वो option जो है वो हम करने वाले हैं। त्राटक is very important for concentration, for especially for my girl students and for everyone. आपने सुना होगा hypnotize करते हैं, हमें hypnotize नहीं करना है किसी को, हमें हमें खुद को hypnotize करना है।
that this is my work and I'm going to do it with full concentration. You must have seen that magnifying glass, उसको धूप में अगर पकड़ेंगे और नीचे कागज के थोड़े टुकड़े रखेंगे तो इतनी हीट कॉन्सेंट्रेट हो जाती है कि टुकड़े जल जाते हैं. सो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट सो दैट यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. सो आंखों की रोशनी जो है उसके लिए और ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर आईज, आंखों के लिए त्राटक का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है. और कौन एक ही जगह पे नजर स्थिर करके यहां तक स्थिर करेंगे कि आंखों में से पानी आ जाएगा और जो पानी आएगा उससे आंखों की सफाई होगी, इसलिए इसका समावेश षटकर्म में किया है. जैसे ये शुद्धि क्रिया है, इट्स अ क्लिंजिंग प्यूरिफेक्टरी प्रोसेस. ठीक है, त्राटक देख लेंगे. आपको चाहे तो वज्रासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, किसी भी इसी any comfortable position and you will be able to do it. Now as I have told you that you have to concentrate on a flame. Pure room mein andhera karna hai, aankhon ki level pe ek stool rakhna hai aur wahan ek aap mombatti rakh sakte, you can burn a candle or you can burn a lamp and you have to focus on the flame. But that you can do at home, for which you have to close the room and there should be no disturbance and so on and so forth. If you don't have that facility, then you can do this thing. Now, as I have told you that yoga mein hum kisi bhi bahya vastu pe, instrument pe, equipment pe hamara dependence nahi karne wale. We are not going to depend on any gym, going to gym and then instrument and this and that. We have to make maximum use. जैसे जो नारा है आत्मनिर्भर बन जाओ, तो हमारे शरीर का ही इस्तेमाल करेंगे और उसी सहारे हम त्राटक की क्रिया करेंगे. Now the brightest part of our body is our nail. Okay, nail है. अभी nail paint तो मैंने नहीं लगाई है, बाकी लोग कुछ लोगों की nail paint रहती है, लेकिन your nail without nail paint is the brightest part. You compare it with any other part of your body. Look at the skin. Skin is not that shiny as your nail is. So anything which is shining, which is bright, we get attracted. Hamara dhyan us taraf jo shining hai us taraf zyada aur jaldi chala jata hai. Hum udhar focus kar pate hain. To humko ye hamara पहले एक बार देख लीजिए, बाद में करेंगे. मैंने मेरा राइट हैंड लिया है, दिस इज माय राइट हैंड एंड आई हैव पुट इट स्ट्रेट बट आई हैव पुट टेकन इट इन द मिडिल. मैंने उसका लेवल भी मैंने बहुत नीचे नहीं है, ऊपर नहीं है. आई हैव और इतना स्ट्रेट मेरे हाथों के लाइन में नहीं है, इट इज नॉट इन द लाइन ऑफ माई हैंड बट इट इज इन द लेवल ऑफ माई आईज. मेरे आंखों के लेवल पे मैंने इसे लिया है एंड देन आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द नेल. ओके, नाउ वेरी स्लोली विदाउट मूविंग माय अटेंशन, माय फोकस, माय साइट फ्रॉम दैट नेल ऑफ माय थंब, I am slowly moving it to my left shoulder. आंखों में से हटना नहीं चाहिए. Don't allow it to leave out of your eyesight. Being or keeping it in eyesight, gradually, slowly, bring your thumb again in original position. Then take your right hand, put your right hand beside it, sorry, left hand beside it and put your right hand down. अब दाहिना हाथ नीचे, बाया हाथ मैंने की रखा है सामने. मेरी नजर फिक्स है मेरे अंगूठे के नाखून पर और धीरे धीरे बड़े शांति से मैं
ये मेरा जो अंगूठा है उसे देखते देखते नजर न हटाते मैं उसे राइट साइड के कंधे तक लेके जाऊंगी। मैं दूर भी नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि फिर वो मेरे नजर से हट जाएगा। फिर वेरी स्लोली विदाउट मूविंग माय आई साइड, नजर न हटाते हुए मैं फिर से वो अंगूठे को, पलक नहीं झपकनी चाहिए, मैं ओरिजिनल पोजीशन में लेके आऊंगी। ओरिजिनल पोजीशन में लेके आने के बाद फिर मैं धीरे धीरे उसे आई विल ब्रिंग इट क्लोजर टू द टिप ऑफ माई नोज, नाक एकदम नजदीक मैं लेके आऊंगी, नाक के पास, दोनों भ्रुकुटी के मध्य में, मिड इन द मिडल ऑफ द आईब्रोज, एंड ट्राई टू लुक एट द नेल। देन ग्रेजुअली आई विल, यू विल बी एबल टू फील द स्ट्रेन इन आईज, जो तनाव आता है आंखों में वो आप देख पाएंगे। देन आई विल ब्रिंग इट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। दिस इज टाइप टू। टाइप थ्री, आई विल टर्न इट अपसाइड डाउन। मैंने उसको उल्टा किया है। जब मैंने उसको सीधा रखा था तो मैंने टिप ऑफ द नोज तक लेके आई थी। नाउ व्हेन आई टर्न इट अपसाइड डाउन, आई विल ब्रिंग इट टू द मिडल ऑफ माय आईब्रोज। नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली आई विल ब्रिंग वेरी क्लोज बिटवीन माय आईब्रोज एंड ट्राई टू लुक एट इट। देन ग्रेजुअली स्लोली I will take it to original position. This was type 3. तीन प्रकार करेंगे, त्राटक में बैठ जाएंगे, वज्रासन में या किसी भी सुखासन में। शुरू करते हैं। Let us start. Take your right hand. Take position. बराबर आपके आंखों के सामने, आंखों के लेवल पे उसे लेके आएंगे। बहुत नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर नहीं लेके जाएंगे। लेवल फिक्स कीजिए, हर एक की अपनी हाइट होती है, उसके हिसाब से फिक्स कीजिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नेल, देखते ही रहिए, नजर नहीं हटाएंगे, पलक नहीं झपकेंगे। मेक श्योर दैट यू डोंट क्लोज योर आईज एट ऑल। फिक्स बोथ द आईज only on the nail. Now slowly start moving the thumb very slowly without removing your attention. ध्यान बिल्कुल नहीं हटेगा, पूरा लक्ष्य केंद्रित रहेगा इस नाखून पर और उसे कंधे तक लेके आएंगे, लेकिन नजर से वो हटना नहीं चाहिए, उसी उसकी हाइट मेंटेन करेंगे। नाउ कीपिंग इट फॉर वाइल हियर, देन यू विल ब्रिंग इट बैक स्लोली। ब्रिंग इट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, कीप वॉचिंग इट, लेट द फोकस बी ऑन नेल। Now slowly bring your left hand close to your right hand. Put right hand down. Take the position of left hand. बाएं हाथ की पोजीशन फिक्स कीजिए, नाखून पर ध्यान केंद्रित कीजिए। फोकस कंप्लीटली, देखते रहिए, आंखों में, आंखों के सामने सिर्फ नाखून दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। अर्जुन को जैसे वो मछली का सिर, मछली की आंख दिख रही थी और वो निशाना साथ पाया, उसी हिसाब से हमें सिर्फ अंगूठे का नाखून दिख रहा है और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। फोकसिंग ऑन दिस नेल, नाउ स्लोली मूव इट एंड ट्राई टू टेक इट टू योर राइट शोल्डर। Move your eyes with it. नजर हटनी मत देना, अंगूठा जो है वो फोकस में रहना चाहिए।
गर्दन बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, सिर्फ नजर हिलाएंगे. नाउ स्लोली ट्राई टू ब्रिंग इट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. कीप द हैंड स्ट्रेट. नाउ स्लोली ब्रिंग इट क्लोजर टू यू. नजदीक लेके आएंगे, नाक के टिप तक रखेंगे, लेकिन अंगूठे के नेल हमको दिख रहा है. उधर एक मिनट, एक सेकंड के लिए फोकस करने के बाद फिर से उसे दूर लेके जाएंगे. नाउ टर्न इट अपसाइड डाउन. उल्टा कीजिए उसे. फोकस वही रहेगा, देखते रहेंगे. पोजीशन फिक्स कीजिए. अंगूठा फिर से पूरा दिख रहा है. नाउ स्लोली धीरे धीरे इसे नजदीक लेके आएंगे. दोनों ब्रुकुटी के मध्य तक उसे लेके आएंगे और उसी की ओर देखने की कोशिश करेंगे. एक सेकंड के लिए रुक जाएंगे. देन नाउ स्लोली टेक इट अवे फ्रॉम योर आईज. कीप द हैंड स्ट्रेट. Don't leave the focus. Now turn it up and close your eyes. Sit quietly. शांत आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएंगे. दोनों हाथों का घर्षण कीजिए. रब बोथ द पाम्स एंड वाइप इट ऑन योर फेस. चेहरे पर से और गर्दन पे से हाथ घुमाएंगे. छोड़ दीजिए वज्रासन. आइए पद्मासन और सुखासन में. महिलाओं के लिए जो उपयुक्त है, which is especially meant for women, those few asanas we are going to practice today. And some of them are on lying down on your stomach, others are in a sitting posture and some are in standing posture. कुछ पेट के बल लेट कर, कुछ बैठ कर, कुछ खड़े होकर आसन करने वाले हैं. तो पहले हम देखेंगे शलभासन. पेट के बल लेट जाएंगे. यस, शलभासन हमें हमें क्या करना है, एक एक पैर को ऊपर लेके आना है और फिर साथ में दूसरे प्रकार में दोनों पैरों को ऊपर लेके आना है. लेकिन पोजीशन उसकी कुछ फिक्स करनी है, लेनी है. एंड देन यू हैव टू डू बी इन विश्राम. बाद में मैं सावधान बोलूंगी तब सावधानी करना है. सो ये शलभासन एंड कमर से नीचे तक के जितने स्नायु है, आर्थराइटिस है, नी पेन है, उस विकारों के लिए शलभासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेस्ट एंड वेस्ट से नीचे जितने भी हमारे शरीर के अवयव है, ऑल योर बॉडी पार्ट्स बिलो वेस्ट विल गेट एक्सरसाइज, विल गेट नाइसली मसाज्ड इन दिस आसन. इट्स नेम इज शलभासन. पहले हम पहले प्रकार में करते हैं अर्ध शलभासन और बाद में करेंगे पूर्ण शलभासन. फर्स्ट यू हैव टू टेक योर फिस्ट एंड फिक्स इट बिलो योर
थाईज मांड्यांच्या खाली हात घ्यायचे आहेत आणि लेट युअर चिन फिक्स ऑन युअर ग्राउंड. उनवटी जी आहे ती जमिनीवर टेकवायची आहे. नाउ स्लोली टेक युअर लेफ्ट हँड अप, राइज युअर लेफ्ट हँड, सॉरी आय एम सॉरी लेफ्ट लेग, आय एम एक्सट्रीमली सॉरी लेफ्ट लेग. येस तुलसी युअर राइट. जितना ऊपर हो सकते ले सकते है उतना ऊपर लेके जाना है. गर्दन को नहीं उठानी है, गर्दन वही रहेगी, हाथ जांघा के नीचे रहेंगे. ओनली वन लेग इज टेकन अप. नॉर्मल ब्रीदिंग, स्लोली ब्रिंग इट डाउन. किसी किसी को इसमें क्रैम्प आने की संभावना है तो बीच में रुक जाना चाहिए, लेकिन आदत रखनी चाहिए. नाउ विथ नेक्स्ट लेग एक उठाइए, जितना ऊपर जा सकते हैं उतना जाइए. रिमेनिंग इन स्टैटिक पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंतिम स्थिति में रुकने को आना चाहिए, उसका हमें प्रयास करना चाहिए, उसके कई और लाभ होंगे. दो नीचे, अंतिम स्थिति में रुकना लेकिन इतना आसान भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए. दूसरा प्रकार करते हैं, दोनों पैरों को ऊपर लेके आना है. एक, रेज बोथ द लेग्स, डोंट बेंड इन योर नीज, कीप देम स्ट्रेट. ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन घुटनों में नहीं मोड़ना है. दो नीचे लेके आओ. यस, उठकर बैठ जाएंगे, गोमुखासन दिखाते हैं. एक प्राची या तुलसी, एक फेस करेंगे कैमरा को, एक पीठ दिखाएंगे. या प्राची यू फेस द कैमरा. गोमुखासन दिखाने वाले हैं, पैर स्ट्रेट रखेंगे पहले पैर. ओके तुलसी यू बी इन दैट पोजीशन फॉर सम टाइम. प्राची दिखाएंगे पहले एक पैर, एक या बेंड इट. करेक्ट करेक्ट, यस बेंड इट लाइक दिस, देन अनदर फीट, अनदर लेग, पुट इट ऑन दैट. सो सी द पोजीशन, हाउ द पोजीशन is from backward and from forward, front. So from front you can see Prachi, one knee above the other, and you can look at Tulsi and you will find both the legs are parallel. Now jo pair upar hai, the leg which is on the top, the same hand go on top and piche jana chahiye. Yes. और दूसरा हाथ नीचे से जाके उंगलियां एक दूसरे से इस कदर, मेरी ओर देखो, इस कदर फंसानी है. ओके इसे कहते हैं गोमुखासन. ये आसन जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन भी कर सकती है, और इस आसन के लाभ जो है वो महिलाओं को ज्यादा है. यूट्रस से संबंधित, हमारे गर्भाशय से संबंधित जितने भी विकार है उसके लिए ये आसन बड़ा लाभदायी है. गोमुखासन गाय की तरह हम, ये पोजीशन दिखती है इसलिए इसे गोमुखासन करते हैं. अभी इस कदर किया है, सेम पोजीशन दूसरे पैर से हम कर सकते हैं. बस छोड़ दीजिए. सभी साधक शलभासन करेंगे, पेट पर सो जाएंगे. पहले हम शलभासन करेंगे, बाद में गोमुखासन करेंगे. शलभासन, पेट के बल लेट जाएंगे, एवरीबडी लाई डाउन. सब लोग बेडशीट या योगा मैट पे सो जाएंगे. विश्राम, सावधान. चिन है उसे ग्राउंड पे फिक्स कीजिए एंड टेक बोथ द पाम्स अंडर थाइस. दोनों हाथों को जांघा के नीचे लेके आएंगे. शलभा
आसन की पूरी तैयारी हो गई है. नाउ वी विल डू टाइप वन. टेकिंग योर लेफ्ट हैंड अप, बाया पैर उठाएंगे, जितना हो सके उतना ऊपर उठाएंगे. Slowly bring it down. मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है, लेकिन मैं मानती हूँ कि सब लोग कर रहे हैं. दूसरा पैर उठाएंगे अर्धशलभासन में. राइट लेग, टेक इट अप. फील द प्रेशर. शरीर के जिस अवयव पर तनाव आ रहा है उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए. Slowly bring it down. योगा का जो विचार है वो शरीर और मन से संबंधित है. ये सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है. जहां हमारा मन रहेगा वही हमारा शरीर करेगा, तभी जाके हमें लाभ मिलेंगे. So there has to be perfect union between your physique and your mind. Now we will do पूर्ण शलभासन. दोनों पैर एक साथ में उठाते हैं. Raise both the legs together. जितना हो सके अपने घुटनों में पैर नहीं मुड़ने हैं. यू विल नॉट बेंड योर नीज एट ऑल. नॉर्मल ब्रीदिंग. फील द प्रेशर. स्लोली ब्रिंग इट डाउन. फिर एक बार करते हैं यही प्रकार. पूर्ण शलभासन, सावधान, नॉर्मल ब्रीदिंग. रेज बोथ द लेग्स. दोनों पैर उठाएंगे, ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, घुटनों में नहीं मोड़ेंगे. लड़की आराम से कर सकेगी. स्लोली ब्रिंग इट डाउन. विश्राम, नॉर्मल ब्रीदिंग. हर आसन के बाद विश्राम करना बहुत जरूरी है. स्लोली उठकर बैठ जाएंगे. गोमुखासन करते हैं. गेट रेडी फॉर गोमुखासन. दोनों पैरों को फैला दीजिए. डू इट स्टेप वाइज. टेक योर लेफ्ट लेग डाउन. बेंड इट इन नीज. प्राची की तरफ देखिए, उसने पैर कैसा किया है वैसे कीजिए. दूसरा पैर स्ट्रेट है. अब जो पैर अंदर लिया है उसी के ऊपर दूसरा पैर रखेंगे. राइट लेग, बेंड इट इन नीज. यस, घुटने के ऊपर घुटना है और दोनों पैरों के तलवे पैरेलल है, समांतर है. अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लेके जाएंगे, उसे पीछे की तरफ डालेंगे, बेंड करेंगे कोनी में. दूसरा हाथ इधर से लेके जाएंगे और फिर दोनों फिंगर्स क्रॉस करेंगे. यस, वेरी गुड. सिट इन दिस पोजीशन एंड यू कैन. दिस इज वेरी इजी आसन. यू कैन डू इट कंफर्टेबली, आराम से कर पाएंगे. लेकिन जिनको घुटनों का दर्द है उन्हें थोड़ी सी शिकायत हो सकती है, या तो इस कदर होगी या इस कदर होगी. कहीं एक घुटना मोड़ते वक्त उन्हें शिकायत हो सकती है. जिनके थाइस ज्यादा बड़े हैं उनका, जैसे ये लड़कियां दिखा रही है वैसे एक के ऊपर दूसरा ठीक से एक ही लाइन में अलाइनमेंट नहीं होगा. बट नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट ग्रेजुअली, स्लोली. डेली प्रैक्टिस. प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. सो डेली प्रैक्टिस इज मस्ट. स्लोली Unlock your hands, bring back your hands. हाथ को पूर्व स्थिति में लेके आएंगे, पैर को छोड़ देंगे, धीरे धीरे दोनों पैर फैलाएंगे. So ये बैठ के करने वाला आसन है. अब हम कुछ आसन देखेंगे जिसे हम खड़े रहकर करना है. Stand up, both the girls. या तुम्हारा कैमरा वर्टिकल कीजिए. वेरी गुड. यस, दैट्स ग्रेट प्राची.
तुलसी जरा हमारा आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। अब कैमरा फेस मत कीजिए क्योंकि हम अर्ध चक्रासन करने जा रहे हैं, इसलिए साइड या आपकी साइड फेस कीजिए। अर्ध चक्रासन कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और आसान भी है। दोनों हाथों को कमर पे रख दीजिए, और धीरे धीरे पूरे शरीर को पीछे की ओर लेके जाएंगे। यू हैव टू बेंड वेरी स्लोली। जितना हो सके उतना हम नीचे झुकेंगे, ज्यादा नहीं झुकेंगे, किसी को बोलेंगे नहीं मुझे ऊपर से प्रेस कर। स्लोली कम बैक, सब लोग खड़े हो जाएंगे, अर्ध चक्रासन करेंगे। स्टैंड अप, टेक पोजीशन, पुट बोथ द पाम्स ऑन योर वेस्ट, गेट रेडी। नाउ स्लोली ट्राई टू बेंड बैकवर्ड्स, वेरी स्लोली अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, जितना हो सके उतना, क्षमता के अनुसार, जोर से नहीं करेंगे। नेवर डू इट हैफजर्डली, लेट देयर बी अ रिदम, लेट इट बी वेरी स्लो। स्लोली पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजिशन। यस, नाउ फेस द कैमरा, वृक्षासन करेंगे। इन वृक्षासन यू हैव टू बी वेरी पर्टिक्यूलर एंड ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ। पहले देख लीजिए, बाद में करेंगे। प्राची और श्वेता दिखाएंगे, उसे देख लीजिए पहले। एक की पोजिशन में टेक योर लेफ्ट लेग एंड फिक्स इट ऑन योर राइट नी, हाथों से उठाएंगे। लेट द हील टच ऑलमोस्ट योर वजाइना, बराबर से फिक्स कीजिए। करेक्ट, नाउ टेक वन हैंड अप, देन टेक अनदर हैंड अप एंड नमस्कार पोजिशन। फिक्स योर अटेंशन ऑन अ पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, then only you will be able to balance yourself. किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कीजिए, तब उसे ध्यान हटने मत देना, तब जाके बैलेंस ठीक से आएगा। Slowly bring your one hand down, second hand down, put your leg down. Yes, now this procedure we have to repeat with another leg. But now I will ask all our participants to do it with them. सब लोग साथ में करेंगे वृक्षासन। एक में खड़े रहते हैं, दो पैर की पोजिशन लेंगे। इसमें भी हो सकता है that एक लेग से हमें अच्छे से करने को आता है, दूसरे लेग से बैलेंस चला जाता है, but slowly you will be able to achieve the balance. This is number one, two, one hand up, three, next hand up, namaskar position, concentrate on particular object, try to maintain balance, vrikshasana, slowly bring one hand down, another hand down, put your leg down, धीरे धीरे पे। शुरू में हम दीवार की सहायता ले सकते हैं सपोर्ट के लिए। इनिशियली यू मे टेक सपोर्ट ऑफ योर
any wall or something. But don't ask somebody to hold it. And don't take support at the back. Take support to your side. Just to maintain balance so that you should not fall down. But don't rest yourself completely on the wall and then do it. Then it will not give you complete benefits. Okay? So as our time is up, shanti pat karenge aur aaj ke varg ki samapti karenge. Vajrasan mein aa jayenge. Come in Vajrasan. We will have concluding prayer and we will end up the session. दोनों हाथों को छाती के मध्य स्थान पर जोड़ दीजिए. शांति पाठ करते हैं. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. रब बोथ द पैम्स. Thank you, everybody. Have a good day. See you tomorrow. You may leave now, one by one. Thank you. I'm ending the meeting. Yes.